Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये जो एक बदमाश था मंगेश यादव, अब उसका एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने। अब तो तस्वीर भी देखी होगी आपने, कभी इसको आते जाते कभी देखा दुकान में आया हो पहले से जानकारी लेने के लिए, घूमते हुए देखा कभी? नहीं, ऐसा तो कभी हमें महसूस नहीं हुआ। जो माल मिला वो हमारी ही है, मैंने पहचान किया है। और पुलिस का कहना है बदमाश सब अपना आपस में बांटे हुए हैं, जैसे जैसे पकड़े जा रहे हैं वैसे वैसे आपका माल मिल रहा है। जो हमारी बहुमूल्य ज्वेलरी सोने की थी वो अभी तक नहीं आई। पुलिस ने जो ये मारा गया इसके पास भी 4 किलो 950 रुपये पुलिस ने बताया कि इतना माल इनसे भी मिला है, यही जानकारी। तो जो मारा गया मंगेश यादव के पास से जो ज्वेलरी मिली वो वही है जो आपसे लूटी गई? जी, जब सब पकड़े जाएंगे तभी क्लियर होगा। पुलिस की तरफ से हमें पूरा आश्वासन मिल रहा है कि आपका सब माल मिलेगा, सारे सामान की रिकवरी होगी, सारे बदमाश पकड़े जाएंगे। हम लोग पूरे प्रयासरत हैं, कहीं से भी कोई दिन रात का समय का मौका नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो माल गया था, जैसे ये मंगेश जब आया था या और भी लोग जो बदमाश आए, तो उनके हाथों में हथियार कैसे थे? और जो बैग एक बता रहे हैं, तो वो बैग, इसके पास से भी एक बैग मिला, बड़ा कीमती बैग था। क्या आप जैसे एक, इसके पास एक अमेरिकन टूरिस्टर का बैग मिला, वो जो बदमाश आए थे उनके पास भी था कोई ऐसा बैग? नहीं, वो तो काले रंग की जो बैग, बड़ी बैग थी वो लेके आए थे। हाँ, जो झोले टाइप की बड़ी बैग थी वो लेके आए थे, उसने भर के ले गए थे। एक मेरा कस्टमर बैठा था, वो पिट्ठू बैग लिया था, तो उसके उसके बैग में भी उसका कुछ माल था और उसमें भी माल भर के ले गए यहाँ से। जी, उसका भी सामान था। उस कस्टमर के बताने के अनुसार उसके बैग में भी 2 लाख का सामान था। जब बड़ा वाला बैग वो जो ले आए थे उसमें भर लिए और नहीं भरने का मौका मिला तो कस्टमर का बैग उठा के उसमें भी भर के ले गए सामान। जी, मतलब उसको भी ले गए और जो बैग लाए थे उसमें भर के ले गए, जितना कोई आना था सब ले गए। अच्छा। कोई उनमें से बदमाशों के पास कोई अमेरिकन टूरिस्टर का बैग भी था जो रिकवर हुआ है इधर पे एनकाउंटर में? नहीं, वो तो वही काले रंग की बैग लेके आए थे। अच्छा। जी, वो जो झोला बैग होता बड़ा वाला? जी, बड़ा वाला। बड़ा साइज रहा होगा? इतना बड़ा साइज, वो बहुत बड़ा साइज था। अच्छा, इतना बड़ा साइज, इतना बड़ा था कि उसने माल भर लिए थे, उठा इतना माल था भर लिए थे कि माल उठा के ले नहीं जा पा रहे थे, किसी तरीके से वो ले गए। कैसे ले गए? यहाँ पे ये बाइक, वो बाइक से बाइक खड़ा था, बाइक पे रख के बैठ के पीछे ले गया। आप लोगों ने शोर नहीं मचाया फिर जब गए? मचाने का मौका नहीं मिला, तब तक तो हमारा जो कस्टमर था वो पीछे उनके दौड़ा, तब तक वहाँ जाके आगे जाके उसको गन लगा दिए, वो बेचारा लौट आया। अच्छा, उसको आगे जाके और भी बदमाश खड़े थे? सब इसके साथ थे। अब जो भी वो व्यापारी बतावे जाने, कस्टमर तो भाग रहे थे अपना बाइक से, वो पीछे दौड़ा, उसने गन लगा दिया तो अपना वो पीछे हो गया बेचारा, जान से बढ़ के धन थोड़ी है। कितने का माल लगभग गया होगा? हमारा करीब औसतन 1,35,00,000 का माल गया है, जिसमें 70 किलो करीब चांदी का जेवर है और 2 किलो करीब जो है सोने का जेवर है। तो अभी कितने में? और 3 लाख रुपए नगद। 70 किलो चांदी और 2 किलो सोना है। जी, 3 लाख नगद है। कितनी चांदी मिल चुकी है अभी तक? करीब पुलिस के अनुसार जो है 20 किलो चांदी बरामद किए हैं। अच्छा, तो अभी 50 किलो चांदी और 2 किलो सोना। जी, और पैसा भी कुछ पुलिस दिखाई है, हमको सही जानकारी नहीं है। जो बदमाशों से कुछ पैसा भी मिला है उसको अपना सील करके रख दी है। अच्छा। जी, पुलिस को पूरा हमारे विश्वास में लेके हमको ले जाके दिखा रही है, उसकी पहचान करा रही है, हमारा सामान है, हमारे दुकान का ट्रेड मोहर पड़ा हुआ है, इसलिए हमको कोई उसको पहचानने में गलती। माल बरामद किया वो आप ही के दुकान? हाँ, दुकान का माल है, मोहर हमारा पड़ा हुआ है। तो दुकान खोल रहे हैं कि नहीं? नहीं, दुकान तो नहीं खोल रहे हैं, थोड़ी व्यवस्था सब गड़बड़ा गई, सब पूंजी हमारी उसी में चली गई। अब व्यापार थोड़ी दहशत भी बहुत है, इस कारण से सिक्योरिटी तो शासन ने पूरा दे रखा है, हमें गार्ड भी दे रखा है कहीं जाए आए, लेकिन मन से इतना हतोत्साहित है कि कहीं जाने आने की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि ये आप ही की दुकान को क्यों चुना गया? कोई मुखबिरी कुछ ऐसे क्यों यहाँ पे? तो इसमें तो और भी सर्राफ होंगे। नहीं, ऐसा कोई हमें जानकारी नहीं है किस तरीके से हुआ, ये तो भाई बदमाश हैं अपना काम। और भी तो सर्राफ होंगे आपसे बड़े हैं, हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं, ये बात थोड़ी हम ही खाली अकेले थोड़ी हैं, हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं और टारगेट हमको किए, अभी तो भाई उनकी नज़र में आए या जो भी उनके पास दिमाग में हो तभी तो टारगेट किए हमें। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन
ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आप देखिए कि सुल्तानपुर पुलिस के हथियारबंद जवान, पीएसी के जवान 24 घंटे यहाँ पर मौजूद हैं। घर और शोरूम एक साथ है तो ये लोग सिक्योरिटी में मौजूद हैं, हथियारों से लैस हैं। लेकिन अभी भी 9 बदमाश जिनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम है वो फरार हैं, जिनकी तलाश सुल्तानपुर पुलिस और यूपीएसटीएफ कर रही है।